जय श्री रामचंद्र, जय श्री कृष्णा, जय श्री लक्ष्मी नरसिंह। अब मैं इस वीडियो का भाषांतर करने वाला हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। आज मैं आप सबको एक विशेष सूचना देना चाहता हूँ। अभाग्य पूर्वता से यह वर्ष 2019 एक ऐसा विकृत वर्ष है, यानी खतरनाक वर्ष है, जिस वजह से इस वर्ष का नाम ही विकारी है। मुझे इस निर्धार पर पहुंचने के लिए बहुत सारी तकनीकी बुद्धियों को सुझाना पड़ा था। सबसे पहले यह साल एक अत्यंत गंभीर शनिवार से शुरू होता है। यहाँ पर शनि धनुष राशि में केतु के साथ उपस्थित है। दूसरा, यह साल विकारी यानी रोग बाधित है। तीसरा, जून से अगस्त और नवंबर से 2020 अप्रैल में सारे ग्रह काल सर्प योग से गुजरते हैं। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में पड़ने वाले कुछ देशों को लेकर मैंने अप्रैल में कुछ भविष्यवाणी की थी जो सत्य निकली। ईरान और अमेरिका के आपसी संबंध बहुत ही डगमग आए हुए हैं और इस बीच अन्य देश भी झटपटा रहे हैं। आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है और बहुत सारे नैसर्गिक प्रकोप धरती पर आधम के हैं। दंगे फसाद और जन विरोध लगातार हो रहे हैं। सोने के भाव भी बढ़ गए हैं। कश्मीर के मामले में भारत के साथ चीन और पाकिस्तान का तनाव भी स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की गई थी। बीमारियों ने बिहार और अन्य राज्यों को त्रस्त कर दिया। प्राकृतिक विपदाओं ने पूरी दुनिया में भूगोल को नष्ट कर दिया। ये भविष्यवाणियां ईश्वर की कृपा से और हमारे प्राचीन शास्त्रों के दिशा निर्देश से ही बताई गई थी। अब फिर से मैं लोगों को चेतावनी देता हूँ कि दुनिया के लिए आगे बहुत कठिन समय होगा और मैं इस स्थिति से बचने के लिए कुछ अच्छे उपाय भी दूंगा। केवल ईश्वर पर विश्वास ही दुनिया के लोगों को बचा सकता है। यह स्पष्ट प्रमाण है कि ज्योतिष शास्त्र निश्चित रूप से सत्य और महान है। नवंबर से संकट का प्रारंभ होगा। ठीक 4 नवंबर से सोने के भाव चांदी के भाव साथ बढ़ जाएंगे। 21 नवंबर से चांदी के भाव आसमान को छू जाएंगे और शेयर बाजार थर थर कांपेगा। दिसंबर 2019 से जनवरी 2020 तक पूरी पृथ्वी के लिए बहुत हानिकारक होगा, क्योंकि धार्मिकता नीचे आ जाएगी। विशेष रूप से जनवरी 2020 में पृथ्वी खतरनाक एवं शक्तिशाली काल सर्प योग से प्रभावित होगी। ठीक इसी समय अमेरिका और ईरान के बीच और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होने की भी संभावना है। जनवरी 24, 2020 शनि स्वयं अपनी राशि में स्थानांतरित होने वाला है। सूर्य के साथ साथ संयुक्त होने से बहुत कंपन, आर्थिक कंपन होने की संभावना है और गवर्नमेंट में भी कंपन होने की संभावना है। विश्व युद्ध 3 जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। मंगलवार 31 मार्च 4:30 शाम पर मंगल और शनि एक शक्तिशाली ग्रह युद्ध में प्रवेश करेंगे, जिसमें दुनिया को हिलाने देने वाली घटनाएं होंगी। सोने, पेट्रोल, चांदी, प्राकृतिक गैस आदि की कीमतों में तेजी से वृद्धि होगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्राएं का मूल्य गिर जाएगा। अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। तेल से समृद्ध देशों पर युद्ध छिड़ जाएगा। हवाई जहाज उद्योग, वाहन उद्योग को नष्ट होगा, क्योंकि धनुष राशि में योग चल रहा होगा। भारत, उत्तर कोरिया, चीन, वियतनाम, जापानी समुद्र, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यूएसए, कश्मीर पर आक्रमण और आर्थिक नैसर्गिक दुष्परिणाम होंगे।
मैं आशा करता हूं कि यह सूचना आपके लिए हितकारी होगी। धन्यवाद।